हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बस गुड आफ्टरनून तक ठीक है, इवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या बचा हुआ था? ये सब बचा हुआ था सर। क्या है ये सब? ये है प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन सब्सिडरी कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करके रखे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमें पढ़ना है कि हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ऑल्दो कोई क्वेश्चन एज सच उस पर नहीं है, कोई एज सच कोई बड़ा क्वेश्चन इस पर आज तक अभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मुझे दिखा नहीं है। अगर किसी आरटीपी में, एमटीपी में अगर होगा तो शायद, आई डोंट नो, मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है उसमें भी नहीं होना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि ये वाला जो लास्ट पॉइंट है हम उसको कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, ठीक है? हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले, ये वाला जो पॉइंट है इसको कंप्लीट करने के बाद हमें आज के सेशन में, आपने आज के सेशन का टाइटल तो पढ़ लिया होगा, उसके बाद हमें आज के सेशन में ही IND AS 111 करना है, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, और IND AS 28 करना है, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स, ठीक है? जैसे आज का हमारा, जैसे ही बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स और एसोसिएट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक बहुत बड़े पड़ाव को कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने असेट बेस्ड स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है, ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिया है। हम अब ये कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। इसके बाद जितने भी सेशंस बचेंगे उसमें जो बड़े पड़ाव हैं वो है IND AS 116 और 115। बाकी तो सब ऐसे IND AS है जहां पर एक एक सेशन में प्रोबेबली हम कवर अप करने के योग्य रहेंगे। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको अगर प्रीवियस सेशन में अगर कोई डाउट हो तो आप पहले मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि प्रीवियस सेशन लाइव था नहीं। तो अगर आप प्रीवियस सेशंस जो आपने देखा होगा, पार्ट 3 जिसमें मैंने चेन होल्डिंग करवाया था, रिवर्स एक्विजिशन करवाया था, CCBC कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन करवाया था, डी मर्जर करवाया था, और लास्ट क्या करवाया था, शेयर बेस्ड अवार्ड्स ग्रांटेड बाय पेरेंट कंपनी, मतलब अक्वायरर। अगर आपको उन पॉइंट्स में कुछ डाउट है या कुछ आपको कुछ क्लेरिफिकेशंस मुझसे लेना है, सो यू आर फ्री टू आस्क। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आज का ये पॉइंट और फिर लाइव चैट को डिसेबल करूंगा। पहले आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो उस सेशन के लिए तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। सर प्लीज डू दिस ऑल वीडियो पब्लिक। जी मालिक। अच्छा जी, तो क्या कोई डाउट नहीं है आपको? अभी तक किसी ने डाउट नहीं। शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड में सर ओरिजिनल अवार्ड वैल्यू लेंगे या मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड लेंगे? सी आप शायद कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू लिया जाता है हमेशा। ओरिजिनल अवार्ड वैल्यू, ओरिजिनल अवार्ड का मार्केट वैल्यू, ये दो चीजें होती नहीं है। इंडेस 102 के अकॉर्डिंग वैसे भी शेयर बेस्ड पेमेंट्स को हम फेयर वैल्यू पे निकालते हैं, तो ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू जो कि एज पर इंडेस 102 होगा वो निकालेंगे, वो लेंगे। शेयर बेस्ड अवार्ड का ट्रीटमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन में कैसे होगा? वो तो मैंने बता दिया था ना कि शेयर बेस्ड अवार्ड जो ओरिजिनल है उसको भूल जाओ, जो रिवाइज्ड वाला है, रिप्लेस्ड अवार्ड है, उसके दो हिस्से होंगे, प्री कॉम्बिनेशन, पोस्ट कॉम्बिनेशन।
प्री कॉम्बिनेशन पीसी का पार्ट होगा, पोस्ट कॉम्बिनेशन आगे आने वाले फर्दर ईयर्स में रिकॉग्नाइज होगा पेंडल में, जैसे आप 102 में रिकॉग्नाइज करते हो। अब जो पीसी का पार्ट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू जो थी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी लैप्स डिवाइडेड बाय हायर ऑफ न्यू वेस्टिंग पीरियड और ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड। सर इन द टॉपिक ऑफ विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल द डिफरेंस व्हाट वी ट्रांसफर टू अदर इक्विटी इज थ्रू ओसीआई, यस इज थ्रू ओसीआई। एट्थ पॉइंट तक हुआ ना सर, तो उसके बाद बेटा एट्थ के बाद अपना जो लेक्चर चल रहा था एट्थ तक लाइव था, तो किसी कारण से कनेक्टिविटी डाउन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने लेक्चर को खुद रिकॉर्ड किया, लाइक 9, 10, 11, 12, 13 मैंने खुद रिकॉर्ड किया लेक्चर को, लेक्चर को खुद रिकॉर्ड करके उसके साथ मर्ज किया एट के बाद वाले से सेम लेक्चर में, तो हमने 13 तक कर लिया। सर सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बारे में बता दो प्लीज, सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, कहाँ है वो सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मैं नहीं समझ पाया। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन को पब्लिक कर दीजिए प्लीज। जी मालिक, इफ इन एस बुक इन्वेस्टमेंट शोज 5 लाख, दैट मीन्स इक्विटी शेयर ऑफ एस एस शुड बी 6.25 लाख, शुड बी 6.25 लाख। If an S book investment shows 5 lakh, that means equity share of SS should be 6.25 lakh. In that case, we direct compute P's investment in SS is 6. एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सुमन चौधरी, you are interpreting wrong. Okay, I understood that I have acquired 80% shares at 5 lakh rupees. That doesn't means 5 लाख डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100 6.25 विल बी द इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दैट डजंट मींस, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख के खरीदे मार्केट से, तो वो तो मार्केट वैल्यू है, तो आप 5 लाख डिवाइड बाय 80 इनटू 100 करके तो 6.25 आ रहे हो, वो 6.25 जरूरी थोड़ी कि वही कैरिंग अमाउंट हो इक्विटी का सब्सिडरी की बुक्स में, ये क्या सोच रहे हो। सब्सिडरी की बुक्स में इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मिलाकर जो भी नेटवर्थ होगा जो आप बोल रहे हो, वो जरूरी नहीं कि 6.25 होगा, दैट डजंट मींस कि 6.25 होगा, क्योंकि 6.25 आपने कैसे निकाला, रिवर्स वर्किंग से 5 लाख के, और 5 लाख क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने उतने पे खरीदा है मार्केट से, पर उसकी बुक्स में हो सकता है शेयर कैपिटल 50,000 का हो और इक्विटी एंड अदर इक्विटी मतलब रिजर्व सरप्लस रिमेनिंग 1 लाख के हो, हाउ कैन यू से 6.25 होगा, दिस इज नॉट डन। एक सम में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अवार्ड दिए था एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू भी दिया था, बट सॉल्यूशन मार्केट वैल्यू लिया था इसीलिए डाउट। ऐसा अगर ऐसा है रवि केडिया, तो सीधी सीधी बात है, यहां पर भी आपको बताया जा रहा है कि ओरिजिनल दिया था और मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल दिया था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल को ही तो अपन फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड बोलेंगे ना। बेसिकली 102 भी क्या बोलता है, आपको हमेशा ईसॉप या शेयर बेस्ड पेमेंट फेयर वैल्यू पे निकालना है, तो आपको ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे लेना पड़ेगा। सर एसटीसी की ट्रीटमेंट क्या होती है जर्नल एंट्री में, एसटीसी क्या सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोल रहे हो क्या, अगर सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोल रहे हो तो उसको पीएनएल में लेके जाते हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज विदाउट कंसिडरेशन, यस देयर माइट बी सम सिचुएशन जहां पर वी कैन अक्वायर द सब्सिडरी और वी कैन अक्वायर द कंट्रोल ओवर सब्सिडरी विदाउट एनी कंसिडरेशन, इवन देयर माइट बी एनी सिचुएशन दैट वी डोंट मतलब वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इवन द 1% इक्विटी शेयर ऑफ इन द 1% इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी, देन ऑल्सो वी गॉट द कंट्रोल ओवर सब्सिडरी, दिस इज ऑल्सो दिस कैन ऑल्सो बी अ केस जहां पर मैंने 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 1% भी शेयर नहीं खरीदा है, उसके बाद भी आई गॉट द कंट्रोल ओवर सब्सिडरी। वाई ऐसा जनरली तब होता है जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एसबीआई फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जाम्पल को मोल्ड कर रहा हूं, ऐसा है हुआ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को उन्होंने बोला कि हम आपको कंट्रोल दे रहे हैं
शेयर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कंट्रोल दे रहे हैं, ऑथोराइज कर रहे हैं कि आप से विजया बैंक या से यूको बैंक जो जिसके एनपीए सबसे ज्यादा है, आप उसको टेक ओवर कर लो, उसका पूरा कंट्रोल हम आपको दे रहे हैं, आप उसको पूरा मैनेज करो, ठीक है ना? या बात समझ आ रही कि नहीं? तो सेंट्रल बैंक के पास कंट्रोल आ गया ओवर यूको बैंक, जबकि सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक के पास कंट्रोल आ गया पूरा का पूरा यूको बैंक का, जबकि स्टेट बैंक ने एक भी सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदा। देन ऑल्सो यू कैन मेक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द यूको बैंक इवन दो यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट। नाउ हाउ? यू हैव टू शो 100% एनसीआई, एज इट इज वर्किंग होगी, पर 100% एनसीआई हो जाएगा। गुडविल कैपिटलिज्म कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट जीरो प्लस एनसीआई 100% माइनस नेट असेट्स 100%। बट दैट डजंट मीन्स कि एनसीआई और नेट असेट हमेशा सेम हो, क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पर भी निकलता है। आई होप शुभम महेश्वरी यू हैव गॉट माई पॉइंट। 9 to 13 पॉइंट वाला लेक्चर अपलोड कर दो सर। मैंने अपलोड किया हुआ था, मैंने उसको अपलोड किया हुआ था, और शायद रात को 11:30-12 बजे तक मेरे उसको रखा था पब्लिक। सर चेन होल्डिंग में सब सब्सिडरी का एनसीआई वाला पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। चेन होल्डिंग में एक सेकंड कहां गया? चेन होल्डिंग में सब सब्सिडरी का एनसीआई वाला पॉइंट वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सब सब्सिडरी वाले एनसीआई का, जब आप सब सब्सिडरी का एनसीआई निकालते हो, तो मैंने आपको बोला था कि पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीआई निकालना है। सब सब्सिडरी का एनसीआई पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। तो जब आपने गुडविल कैपिटलिज्म निकाला होगा सब सब्सिडरी का, तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रखी होगी, तो उस इन्वेस्टमेंट में पेरेंट का कितना शेयर है, आपने सिर्फ उतना पोर्शन लिया होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन वो एनसीए वाला हो गया होगा। वो जो एनसीए का रिमेनिंग पोर्शन है इन्वेस्टमेंट को, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपको एनसीआई से लेस करना है। किसके एनसीआई से? नॉर्मल सब्सिडरी के एनसीआई से लेस करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने गुडविल कैपिटलिज्म की कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट लिया है पूरा नहीं, सिर्फ पेरेंट के प्रपोर्शन में, बाकी एनसीआई का बच गया। अब अगर एनसीआई का बच गया, तो वो मुझे इन्वेस्टमेंट को अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के डेबिट साइड जब तक नहीं लिख लेता, तब तक मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। अब वो मैं डेबिट साइड लिखना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं, वो हमारे एनसीआई का इन्वेस्टमेंट है, तो हमने उसको एनसीआई से लेस करके दिखा दिया, क्योंकि एनसीआई लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली एंट्री पीएनएल से होगी एंड दूसरी वाली एंट्री ओसीआई से होगी? किस बारे में, मतलब कौन सी वाली पॉइंट के बारे में आप पूछ रहे हो? अमन, सपोज सब्सिडरी हैज 100 शेयर्स इन इक्विटी एंड देयर इज अ कंपलसरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स F2F से इन 20 शेयर्स इनटू 20, विल द टोटल इक्विटी बी 120 एज इफ होल्डिंग हैज परचेज्ड 60 शेयर्स, विल द 60% और 50%? टेक्निकली इट इज कितने परचेज किए थे उसने, होल्डिंग हैज परचेज कितने किए थे, होल्डिंग हैज परचेज 60, इट विल बी टेक्निकली 50%, लॉजिकली इट विल बी 50%, लॉजिकली इट विल बी 50%, या यू कैन से कि फॉर द टेम्पररी पीरियड इट इज 60%, बट फर्दर वी हैव टू शो इन आर अकाउंट्स, मतलब जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो शेयरिंग हम 60% के हिसाब से दिखाएंगे, पर हम नोट्स टू अकाउंट्स में यह भी बताएंगे कि ये 60% सिर्फ एक क्या बोल रहे हैं, एक टेम्पररी हो सकता है, आगे चल के जब कन्वर्जन होगा उस टाइम पर देयर माइट बी 50%, और उस टाइम पर अगर स्टिल हमें लगता है कि 50% होने के बावजूद भी कंट्रोल हमारे पास रहेगा, तो हम जरूर कंसोलिडेशन करेंगे, क्योंकि इंड एएस या आईएफआरएस कभी भी ये नहीं बोलता कि कंट्रोल हमेशा 50% से ऊपर पे ही आता है, इवन 50% 45% 40% पे भी कंट्रोल आ सकता है। सो जस्ट कि शेयरिंग सिर्फ 50% है, उससे आपका कंट्रोल अफेक्ट हो सकता है क्या, यह जरूरी नहीं है। वीडियो प्लेलिस्ट करवाइए ना सर प्लीज, पब्लिक 2-4 लेक्चर में लाइव अटेंड नहीं हो सका प्लीज, आगे लिंक नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अपलोड मत करो लेक्चर, बट एक बार पॉइंट नंबर 18 दिखाओ स्क्रीन पे, वी विल टेक स्क्रीनशॉट। 8 to 13 आपको दिखाना है, चलिए ये लीजिए, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, 8 to 13 जो भी है आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा ठीक है, डज इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन सब्सिडरी मीन्स चेन होल्डिंग? यस यस इट कैन बी द चेन होल्डिंग केस, इट कैन बी अ केस ऑफ चेन होल्डिंग, इट कैन बी अ केस ऑफ चेन होल्डिंग। दिस वन दिस वन दिस वन, सो टेक्निकली इसमें पेरेंट का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो ये चेन होल्डिंग का केस हो सकता है बिल्कुल। एट वॉट वैल्यू विल एनसीए बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 50? सीधी बात है ना, जब मैंने बोला कि आप फॉर द टाइमिंग पूरा कैलकुलेशन 60% शेयर पर करोगे, तो एनसीए ऑब्वियसली 40% पर निकलेगा, ठीक सीधी बात है। आगे चल के फर्दर जिस टाइम पे कन्वर्जन हो जाएगा, उस टाइम पे आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी, उस टाइम पे आपका एनसीए 50% पे आ जाएगा और आपका शेयरिंग 50% पे आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये रहा डिस्पोजल ऑफ शेयर्स के केस लग जाएगा उस केस में सीधा सीधा। चलिए नाउ मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन का लास्ट पॉइंट में मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए अपने को, इस पे चलते हैं ठीक है, बिकॉज आज के सेशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को है ठीक है। लाइव चैट को मैंने डिसेबल कर दिया है, ओके लाइव चैट को मैंने डिसेबल कर दिया है, लाइव चैट को डिसेबल कर दिया है। अब आप मेरी बात सुनेंगे अच्छे से और चाहें तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके पास चार्टबुक या नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर इसका स्क्रीनशॉट दिखा दो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ध्यान से देखते हैं हमें ये पढ़ना क्या है, क्या है ये चीज। ज्यादातर बच्चे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को का टॉपिक डिस्कस करते वक्त इस प्रेफरेंशियल आउटस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है इस पॉइंट पर, इंस्टीट्यूट ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन सब्सिडरी कंपनी, पहले तो ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जैसे इक्विटी कैपिटल दिखता है वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं ठीक है ना, वो दिख रहा है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या दिख रहा है भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल द पोर्शन हेल्ड बाय पेरेंट इफ एनी शैल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सीओसी वर्किंग। सर ये सीओसी वर्किंग मतलब वो गुडविल कैपिटलिज्म वर्किंग, मतलब सर मतलब ये कि हो सकता है पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस भी किया हो, और हो सकता है वो, अब ये मत बोलना कि सर प्रेफरेंस शेयर अगर इनरिडीमेबल होंगे तो सर वो तो इक्विटी होगा, मैं बात कर रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक तरीके से आपका रिडीमेबल है, और हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि रिडीमेबल हो इनरिडीमेबल, उस पर प्लीज मत आओ, आप बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा होते हुए ध्यान से, आपके लिए अगर ये नया पॉइंट है तो पहले बिल्कुल ही इसको बेसिक से समझो, डायरेक्ट हाई लेवल पे मत आ जाना। अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी शेयर में भी, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर में भी, तो जब हम गुडविल कैपिटल रिजर्व की वर्किंग करते हैं, जब हम गुडविल कैपिटल रिजर्व की वर्किंग करते हैं तो आपको पता होगा हम यहां दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो अब यहां दिखाएंगे इक्विटी और प्रेफरेंस, यहां यहां इस तरीके से दिखाएंगे, मतलब बेसिकली अब इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस भी दिखेगा, ये ऐसा बोल रहा है। सो द पोर्शन हेल्ड बाय पेरेंट इफ एनी शैल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सीओसी वर्किंग, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी एडेड विद द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी टू कैलकुलेट गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। इसी ऊपर वाले पॉइंट को मैंने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि भाई दोनों इन्वेस्टमेंट को एड किया जाएगा गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज की वर्किंग के लिए। द पोर्शन नॉट हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पेरेंट, पेरेंट के पास है ही नहीं,
डायरेक्टली पेरेंट ने सब्सिडी पे उसका प्रेफरेंशियल नहीं लिया या किसी दूसरी सब्सिडी के थ्रू भी नहीं लिया, शैल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एनसीआई, आप उसको एनसीआई का पार्ट बना सकते हो, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर आपने मान लीजिए 40% प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो रिमेनिंग 60% किसका होगा? एनसीआई का। आपने 80% प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो रिमेनिंग 20% किसका होगा? एनसीआई का। शैल बी एडेड टू एनसीआई वर्किंग, शैल बी एडेड टू एनसीआई वर्किंग, मतलब जितनी सीधी बात है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना हिस्सा पेरेंट का है वो अपने सीओसी वर्किंग में जाएगा, जितना हिस्सा पेरेंट का नहीं है वो बेसिकली आपका एनसीआई का पार्ट बनेगा। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी के रिगार्डिंग सेकेंड पॉइंट, अच्छा ऐसा भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 90%, जबकि इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है 20%। तो अब ऐसे केस में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको यह देखना है कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त परसेंटेज क्या लेंगे, द इंटायर क्वेश्चन विल बी सॉल्व एज पर 90%, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के लिए हम 20% की वर्किंग करेंगे अलग से। कैसे करेंगे मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूं, इस वाले पॉइंट को सारे पहले चार्ट कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको एक छोटा सा बता दूंगा एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से होगा। आइए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब जैसे इक्विटी शेयर के ऊपर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी तो डिविडेंड पे कर रही होगी। ऑलवेज एश्योर नहीं है, ये अज्यूम है, एज्यूम है, इसको एज्यूम करना है, ऑलवेज एज्यूम, ऑलवेज अज्यूम दैट प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेबल एट बैलेंस शीट डेट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी जानते हो कि कभी भी जब जब बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल लिखे होते हैं तो आगे उसका परसेंटेज लिखा होता है, 10%, 12%, 13%। अगर बैलेंस शीट में परसेंटेज आगे लिखा हुआ है तो आपको हमेशा अज्यूम करना है कि बैलेंस शीट डेट पर इट इज बाय डिफॉल्ट डिक्लियर्ड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए अलग से हमें एजीएम वेजीएम की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम पे, प्रेफरेंस शेयर बाय डिफॉल्ट इट इज डिक्लेयर्ड ऑन बैलेंस शीट डेट, इट इज पेबल। अब सोचो अगर ये ऑन बैलेंस शीट डेट पेबल है तो टेक्निकली सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब उसने एंट्री पास कर ली है, सब्सिडरी कंपनी ने एंट्री पास कर ली है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी ने अभी तक प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री पास नहीं की है, पे नहीं किया, अभी तक पेबल की एंट्री पास नहीं की है बैलेंस शीट डेट पर। सो ऑन बैलेंस शीट डेट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल गोल्डन रूल इज ऑन बैलेंस शीट डेट प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेबल, शॉर्ट शॉर्ट पेबल, कुछ भी हो जाए। इफ परसेंटेज इज गिवन, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन देन इग्नोर। नाउ इफ इट इज पेबल तो चेक द बैलेंस शीट वेदर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल इज बींग शोन इन द सब्सिडरी बैलेंस शीट और नॉट। इफ इट इज बींग शोन देन एंट्री मस्ट हैव बीन पास बाय द सब्सिडरी इन इट्स एसएफएस, पे एंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल। इफ इट इज नॉट शोन दैट मीन्स राइट नाउ नॉट, नो एंट्री हैज बीन पास्ड। नाउ चेक वॉट टू चेक, एंट्री ऑफ पेबल इज पास्ड और नॉट, पेबल की एंट्री पास हुई है कि नहीं। एंट्री नॉट पास्ड बाय सब्सिडरी, एंट्री इज पास्ड बाय सब्सिडरी। अब कैसे मालूम पड़ेगा एंट्री इज पास्ड बाय, एंट्री इज पास्ड बाय सब्सिडरी? बाय चेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी। लाइबिलिटी साइड में आपको दिख जाएगा सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कि एंट्री पास हुई है कि नहीं। एंट्री इज पास्ड बाय सब्सिडरी, एंट्री इज नॉट पास्ड बाय सब्सिडरी। ठीक है, अच्छा मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैंने अभी ये पॉइंट्स नहीं करवाए, अब 2 मिनट।
हेलो हेलो बच्चों, माइक इशू हो गया था एक्चुअली, बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने बैटरी चेंज कर ली, बस दैट्स इट। बैटरी डाउन हुई थी, माइक इशू और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब, और आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ से आपने नहीं सुना। कहाँ से आपने नहीं सुना बेटा? अच्छा, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँ? मतलब आपने सब कुछ सुन लिया था? मैं यहीं से कंटिन्यू करूँ? आपने सब कुछ सुन लिया था? ठीक है, इट स्टॉप्ड व्हेन यू रोट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, किसी ने ऐसा बोला है। ओके ग्रेट, मतलब आपका कुछ छूटा नहीं, वेरी गुड, टाइम पे मालूम पड़ गया। ओके आपको याद होगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स बनाते हैं तो हम बताते हैं कि भाई डीओए अमाउंट चेंजेस एंड हेयर बैलेंस शीट अमाउंट। ठीक है, यहां पता है क्या करते हैं हम? यहां बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर आप इक्विटी शेयर कैपिटल करते हो। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस? यहां पर आप क्या करते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल करते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, यहां पर आप अदर इक्विटी करते हो। अदर इक्विटी मतलब सीधी बात है रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहां पर आप लिखते हो, ठीक है, और यहां आ जाता है। आपको मैंने जब डिविडेंड का एडजस्टमेंट बताया था, कौन सा डिविडेंड? इक्विटी डिविडेंड। मैं आता हूं डिविडेंड के एडजस्टमेंट पर। ये देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड, ये थर्ड नंबर। मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि भाई एड बैक इन द पोस्ट एक्विजिशन कॉलम मेक द टाइम एडजस्टमेंट। हमें एड बैक करना पड़ता है। क्यों हमें एडबैक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? हमेशा मान के चलते हैं टाइम एडजस्टमेंट हमेशा किस चीज का होता है? नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, आफ्टर टैक्सेस बिफोर अप्रोप्रिएशन का ही टाइम एडजस्टमेंट होता है। तो ये वाली बात अगर मैं आपको वापस से याद दिलाऊं, ये वाली बात अगर मैं आपको वापस से याद दिलाऊं तो ऐसा है कि यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स पर भी डिविडेंड पे करना है। और अगर मान लीजिए एंट्री पास हो गई होगी तो जो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के जो बैलेंसेस हैं, लास्ट जो बैलेंस शीट डेट का जो बैलेंस है, दैट विल बी आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये डेफिनेटली आफ्टर डिविडेंड होगा, आफ्टर डिविडेंड होगा। और अगर ये आफ्टर डिविडेंड होगा तो डेफिनेटली यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आया होगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस आपने किया होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका आया चेंज कॉलम का, तो ये भी आपका आफ्टर डिविडेंड होगा। तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एंट्री इज पास्ड बाय सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी ने एंट्री पास कर ली है। एंट्री पास कर ली है तो एंट्री क्या हुई होगी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, मतलब पेंडल अकाउंट डेबिट हो चुका होगा, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस हो चुका है। तो क्या करेंगे? व्हाइल प्रिपेयरिंग नेट असेट स्टेटमेंट एड बैक बिफोर टाइम एडजस्टमेंट इन द चेंजेस कॉलम, आपको इसको भी एड बैक करना पड़ेगा। जैसे आप डिविडेंड को एड बैक करते हो वैसे ही, जैसे आप इक्विटी डिविडेंड को एड बैक करते हो वैसे ही आप प्रेफरेंस डिविडेंड को भी एड बैक करोगे। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री पास कर ली है, आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब अदर इक्विटी आफ्टर डिविडेंड दिख रहा है, आपको टाइम एडजस्टमेंट करना होता है बिफोर अप्रोप्रिएशन, आफ्टर आफ्टर टैक्स बिफोर अप्रोप्रिएशन, तो आपको एड बैक करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड को भी। चलो एड बैक कर लिया, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट डिडक्ट द प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलम। जैसे ही आपका टाइम एडजस्टमेंट हो गया, अब आप वही सेम प्रेफरेंस डिविडेंड वापस से डिडक्ट भी करोगे। जैसे हम एबनॉर्मल आइटम पढ़ते थे कि एबनॉर्मल आइटम को पहले एलिमिनेट करना पड़ता है, फिर टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर टाइम एडजस्टमेंट के बाद हमें वापस से उसको दिखाना पड़ता है।
कि वो किस पीरियड का था। सेम आपका एबनॉर्मल आइटम की तरह ट्रीटमेंट है कि आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट डिडक्ट द प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलम। सर हम ये डिडक्ट क्यों कर रहे हैं, इक्विटी डिविडेंड के केस में तो हम डिडक्ट करते ही नहीं थे। ये बोल रहा है सर प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलम। रिस्पेक्टिव कॉलम मतलब प्री और पोस्ट, डिपेंड करता है कि वो कौन से पीरियड का था, आधा प्री का था आधा पोस्ट का था, पूरा पोस्ट का था पूरा प्री का था, वहां से लेस कर देंगे। अब आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लग रहा होगा कि सर डिविडेंड इक्विटी वाला तो हम लेस नहीं करते थे, सर ये क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सबसे आखिरी में आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचता है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स निकाल लेते हो और जब यहां पर आपका आंसर आ जाता है तो आप इस वाले का, ये तो आपका 100% नेट असेट होता है, पर जब आप इस वाले का आप फाइनल शेयर निकालते हो कि पी का शेयर कितना है और एनसीआई का कितना है। आप जानते हो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए, कहां एग्जांपल था, कहीं मैंने एग्जांपल दिया था ना कि सपोज पेरेंट हैज अक्वायर्ड 90% इक्विटी, पेरेंट हैज अक्वायर्ड 20% ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सब्सिडरी। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 90% के हिसाब से सॉल्व करना है, मतलब यहां जो पेरेंट का परसेंटेज आएगा वो 90 आएगा। अब जब पेरेंट यहां पर 90 लगाएगा तो प्रॉफिट भी कौन सा होना चाहिए, सीधी बात है ना, प्रॉफिट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होना चाहिए ना, प्रॉफिट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होना चाहिए। अगर आपने एडबैक किया, फिर आपने टाइम एडजस्टमेंट किया, फिर आप डिडक्ट नहीं करोगे तो वो जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी, और उसका आप 90% कर ही नहीं सकते हो। आपको 90% करना है कौन से प्रॉफिट का, अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसीलिए आपको वापस से लेस करना जरूरी है। तो इट मे रिलेट टू प्री एक्विजिशन पीरियड ऑल्सो, जब आप लेस करोगे तो वो प्री एक्विजिशन पीरियड से भी रिलेट कर सकता है, हो सकता है आपका प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेट कैसे करेगा, ये आपका मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है ना, यहां पर ये बैलेंस शीट डेट है और हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/7। अब हमें यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड एनुअल 30,000 जो है वो पेबल है, तो बेसिकली दिस 30,000 इज फॉर द 12 मंथ्स ना, तो 12 मंथ में से 3 मंथ्स कौन से हैं, 12 मंथ में से 3 मंथ्स कौन से हैं, 3 मंथ्स प्री हैं और 9 मंथ्स कौन से हैं, 9 मंथ्स आपके पोस्ट हैं, तो इसका क्या होगा, इसका 3 मंथ्स, इसका 9 मंथ, 3 मंथ प्री 9 मंथ पोस्ट, ऐसा होगा। आया समझ में कि नहीं? तो बेसिकली जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो वो प्री एक्विजिशन पीरियड के कॉलम से भी माइनस हो सकता है, पोस्ट से भी माइनस हो सकता है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट द पेरेंट शेयर एंड एनसीआई शेयर बेस्ड ऑन इक्विटी होल्डिंग परसेंटेज ओनली, इसलिए मैंने ये देखो रेड में लिखा है, जब आप फाइनल आंसर का परसेंटेज निकालोगे वो सिर्फ हमारा जो इक्विटी में हमारा कितना परसेंटेज है 90%, उसके बेसिस पर शेयर निकालेंगे। दूसरा पढ़ लेते हैं, एंट्री नॉट पास्ड बाय सब्सिडरी। अब सब्सिडरी कंपनी ने अगर एंट्री पास ही नहीं की है तो पेंडल अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है, पेंडल अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है तो आपको कुछ एडबैक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऊपर में चेंजेस है। यहां आपने एडबैक क्यों किया, क्योंकि एंट्री पास हो चुकी है, अब आपको चेंज कॉलम में एडबैक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टाइम एडजस्टमेंट करो, टाइम एडजस्टमेंट के बाद आप लेस कर दो क्योंकि आपको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी चाहिए। सो आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट डिडक्ट द प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलम, इट मे रिलेट टू प्री एक्विजिशन पीरियड ऑल्सो, वी नीड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आया होगा कि डिविडेंड का क्या करेंगे। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इफ पेरेंट हैज एक्वायर्ड द प्रेफरेंस शेयर्स, इफ पेरेंट डज नॉट एक्वायर्ड प्रेफरेंस शेयर्स, दो केसेस हो सकते हैं, हो सकता है पेरेंट कंपनी ने एक्वायर किया हो सकता है एक्वायर नहीं किया हो। अगर पेरेंट कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर एक्वायर किए हैं, पेरेंट इज इंटाइटल टू गेट द शेयर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यस पेरेंट को भी प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। इन पेरेंट्स बुक्स एंट्री शुड बी, एंट्री क्या होनी चाहिए, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल,
जब सब्सिडरी बोलता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, तो पेरेंट के बुक्स में होनी चाहिए डिविडेंड रिसीवल टू पीएनएल। अच्छा, एंट्री पास इन द एसएफएस ऑफ पेरेंट, पेरेंट के एसएफएस में ऑलरेडी ये एंट्री हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑलरेडी एसएफएस में एंट्री पास हो चुकी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एंट्री नॉट पास इन द एसएफएस ऑफ पेरेंट, पेरेंट के एसएफएस में कोई एंट्री पास ही नहीं हुई है, ये वाली एंट्री अभी तक मतलब पेरेंट पेरेंट कंपनी ने अपने एसएफएस में डिविडेंड को इनकम बुक ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब बुक कर लो। एड पेरेंट्स शेयर इन द प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्टली टू द कंसोलिडेटेड पीएनएल इन सोकी। जब आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हो तो उसमें आप प्रेफरेंस डिविडेंड जो रिसीवेबल है आप उसमें एड बैक कर दोगे। अब देखो यहां प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल है और सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल वाला होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल by parent shall be offset with preference dividend payable by subsidiary only to the extent of parent share। subsidiary बोल रही है मुझे 100 रुपए का dividend देना है, parent बोल रहा है मुझे उसमें से 40 रुपए का dividend लेना है, तो 40 रुपए कट ऑफ हो जाएगा, remaining 60 रुपीस preference dividend payable दिखाएगा, दिखाया जाएगा consolidated balance sheet में towards NCI। remaining preference dividend shall be shown in the current liability under short term provisions in CFS, CFS में। इस पॉइंट को मैं फिर से बोल देता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपीज का है, 100 में से मान लीजिए 40 रुपीज पेरेंट कंपनी एलिजिबल है, तो क्या पेरेंट कंपनी उसको बुक करेगी अपनी बुक्स में, अपने एसएफएस में बुक करना चाहिए। क्या वो एंट्री पास कर चुकी है? यस कर चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पीएनएल में ऑलरेडी बुक्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वो अपने पीएनएल में बुक कर चुका है। अगर उसने वो एंट्री अभी तक पास नहीं की थी एसएफएस में, तो सीएफएस में तो अपने को दिखाना पड़ेगा, अपने को कंसोलिडेशन में, तो क्या करेंगे, कंसोलिडेट पीएनएल बनाते वक्त आप पेरेंट का जो प्रेफरेंस डिविडेंड का शेयर है उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, 40 रुपीज ऐड कर दोगे, हो गया ऐड, ठीक है। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, कंसोलिडेट बैलेंस शीट, सिर्फ आप प्रेफरेंस डिविडेंड का एनसीआई वाला पेबल पोर्शन ही बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्योंकि पेरेंट अपना ही पेबल वाला हिस्सा ये थोड़ी बताएगा कि मुझे सब्सिडरी से लेना है, सब्सिडरी बोलेगी मुझे पेरेंट को देना है, तो वापस में कट ऑफ हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में कॉन्ट्रा हो जाएगा पेरेंट का शेयर सब्सिडरी के शेयर के, सब्सिडरी के पेबल के साथ, रिमेनिंग सिर्फ एनसीआई दिखेगा। और अगर पेरेंट के पास कोई शेयर थे ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर थे ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटायर डिविडेंड बिलोंग्स टू आउटसाइड प्रेफरेंस होल्डर एंड शोन एज करंट लायबिलिटी अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, रेस्ट ट्रीटमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ नेट एसेट विल बी सेम। आप कुछ करोगे नहीं, पूरा का पूरा 100% डिविडेंड पेबल आपका एनसीआई का बैलेंस शीट में दिखता रहेगा और कुछ कंसोलिडेटेड पीएनएल में दिखाएंगे ही नहीं, दैट्स इट। ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का केस होगा। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने अगर आपको बोला कि क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है, अगर मैं आपको बोलूं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले सीओसी बनाते वक्त आप जब इन्वेस्टमेंट लेते हो तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के साथ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर भी लोगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर भी लोगे। दूसरा, एनसीआई बनाते वक्त आप एनसीआई कैसे निकालते हो, प्रपोर्शन ऑफ नेट असेट्स या फिर फेयर वैल्यू, ये निकालते हो, पर इसमें इसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रपोर्शनेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करना पड़ेगा, प्रपोर्शनेट। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 1 लाख, आउट ऑफ विच 60% बिलोंग्स टू एनसीआई, तो यहां पर आप 60% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिखाओगे, क्योंकि जो आपने प्रपोर्शनेट नेट असेट यहां पर आपने किया है दैट नेट असेट्स बिलोंग टू इक्विटी, फेयर वैल्यू किया है, फेयर वैल्यू बिलोंग टू इक्विटी, तो आपने जो एनसीआई निकाला है फर्स्ट वाला ये जो एनसीआई निकाला है बिलोंग्स टू इक्विटी होल्डिंग, तो इसीलिए आप अलग से प्रेफरेंशियल कैपिटल कर रहे हो। तीसरी बात, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में हमने क्या बताया कि प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट डेट पर आपको हमेशा पेबल मानना है, आपको चेक करना है एसएफएस में सब्सिडरी के कि वो उसकी एंट्री अभी तक हुई है कि नहीं, 99% केस में एंट्री नहीं हुई होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं। एंट्री नहीं हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंट्री नहीं हुई है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते वक्त, चेंजेस इन नेट असेट बनाते वक्त आपको एडबैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं हुई है, टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद बस लेस कर दो। लेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमें फाइनल आंसर चाहिए चेंज कॉलम का, जिसका हम बाइफर्केशन करते हैं पेरेंट और एनसीआई में, वो सिर्फ टूवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं, तो हमें चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ताकि हम 90% इक्विटी वाला लगा सके, उसके लिए आपको डिविडेंड लेस करना पड़ेगा, प्री से भी हो सकता है पोस्ट से भी हो सकता है, लेस हो गया, दैट्स इट। अब
देखना पड़ेगा कि पेरेंट कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया है, पेरेंट कंपनी डिविडेंड के लिए एलिजिबल है कि नहीं. एलिजिबल तो तभी होगी जब उसने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होगा. अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो एलिजिबल होगी. एलिजिबल होगी तो प्रेफरेंस पेरेंट कंपनी के कंसोलिडेटेड पीएनएल में आपको उतने प्रोपोर्शनल डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, एज एन इनकम बुक करना पड़ेगा. बैलेंस शीट में सिर्फ डिविडेंड पेबल कितना आएगा, टुवर्ड्स एनसीआई शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखेगा. दैट्स इट. आई बात समझ में? तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. ये एक समरी के रूप में मैंने आपको एग्जाम्पल सेट करके बता दिया कि कैसे कैसे होगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज हमारा ये वाला पॉइंट हो चुका है, हम फिर आगे बढ़ेंगे. लाइव चैट इज इनेबल्ड. समरी का एनसीआई पॉइंट, जैसे आप एनसीआई कैसे निकालते हो? एनसीआई आप नॉर्मली निकालते हो ना. आप एनसीआई नॉर्मली निकालोगे, वो जो आपका नॉर्मली जो एनसीआई आएगा, जो नॉर्मली आपका एनसीआई आएगा, वो बेसिकली इक्विटी होल्डिंग वाला एनसीआई आएगा, टुवर्ड्स इक्विटी. अब उस एनसीआई में आपको प्रेफरेंस कैपिटल भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा पेरेंट के पास है, बाकी का हिस्सा एनसीआई के पास, अदर शेयर होल्डर्स के पास है, तो वो भी तो आप ऐड करोगे ना. सर, इन केस ऑफ सीओसी इफ वी आर कंसिडरिंग प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट, देन डू वी हैव टू कंसिडर फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियर्स? आईएनए में प्रेफरेंस कैपिटल भी इंक्लूड करेंगे. ओके, डू वी हैव टू कंसिडर फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियर्स सीओसी में? सी, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियर हम सीओसी में आते हैं, ठीक है. अब आप सीओसी में क्या लेते हो? इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई. इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई, आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? इन्वेस्ट जब आप सीओसी करोगे, सीओसी तो यहां पर आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी प्लस एनसीआई माइनस 100% नेट असेट्स. यही बोल रहे हो, माइनस 100% नेट असेट्स, ठीक है. तो यहां पर आप यहां पर भी प्रेफरेंशियल कैपिटल भी ऐड करोगे. मैं ये बताना आपको भूल गया था, इक्विटी कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस कैपिटल भी ऐड करेंगे. तो आपका शायद शुभम डाउट यही है. तो यहां पर बेसिकली इक्विटी कैपिटल के साथ प्रेफरेंशियल कैपिटल भी आएगा, ठीक है. एनसीए वाला पॉइंट नंबर टू, समरी में क्या बोला एक बार बता दिया, वो मैं बोल दिया था. बट सर, आपने 60% क्यों ऐड किया? 40% ऐड होगा ना. 60% क्यों ऐड किया? 60% एनसीआई का है, 40% पेरेंट का है, ऐसा मान रहे हैं. 40% पेरेंट का है, 60% एनसीआई का है, ठीक है. और बोलिए बेटा, कोई डाउट? सर, कंसोलिडेटेड पीएनएल में प्रेफरेंस डिविडेंड जो मिलेगा पेरेंट को सब्सिडरी से, उसे रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? उसे रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे? रिड्यूस क्यों करेंगे बेटा? जब अभी तक पेरेंट कंपनी ने अपने एसएफएस में एंट्री ही पास नहीं की है डिविडेंड रिसीवेबल की, सो व्हाई वी शुड रिड्यूस इट? आप इसको इक्विटी डिविडेंड से लिंक मत करो. इक्विटी डिविडेंड के केस में केस था डिविडेंड ऑलरेडी पेड बाय सब्सिडरी
एंड पेरेंट कंपनी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द डिविडेंड, ठीक है, यहां पर इट इज रिसीवेबल, अभी तक उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं किए, एंड इट हैज टू शो द इनकम इन इट्स एसएफएस। डोंट कंपेयर दिस प्रेफरेंस डिविडेंड ट्रीटमेंट विद द इक्विटी डिविडेंड ट्रीटमेंट। यस एग्जैक्टली रवि, रवि का बिल्कुल सही आंसर है कि रिड्यूस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टाइम एडजस्टमेंट में रिड्यूस कर चुके हैं, टाइम एडजस्टमेंट के बाद अपन बाद में उसको रिड्यूस कर चुके हैं, जबकि इक्विटी डिविडेंड के केस में जब आप एड बैक करते हो फिर टाइम एडजस्टमेंट करते हो फिर रिड्यूस नहीं करते हो, तो वो डबल इफेक्ट चला जाता है कंसोलिडेटेड पीएनएल में, क्योंकि वो डबल इफेक्ट चला जाता है तो वहां से आप फिर से रिड्यूस करते हो। प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में आपने ऑलरेडी रिड्यूस कर लिया तो उसका कोई डबल इफेक्ट तो हुआ ही नहीं। एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना? नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो आपने प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट के लिए आपने जो नेट एसेट निकाला है, दिस नेट एसेट ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू इक्विटी, मतलब ये वाला नेट एसेट नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर, ठीक है मैं मान रहा हूं आप बोल रहे हो कि प्रेफरेंस यहां पर एड कर दिया, बट यहां पर जो 100% नेट एसेट आया है इसका आप एनसीआई नहीं निकाल रहे हो। This net asset is different from this net asset. मतलब आपको additional working note बनाना पड़ेगा for this net asset, आप एक additional working note बनाओगे कि ये जो net asset है, for example है आपका ये 5 लाख आया, तो आप बोलोगे चलो 5 लाख, 5 लाख का में preferential capital कितना है 1 लाख, बाकी equity portion है 4 लाख, तो 4 लाख का बेसिकली 10% होगा आपका एनसीआई, ये वाला अलग से आप इसका 60% एनसीआई निकालोगे अलग से, जो मैं बोल रहा हूं कि ये ऐड करोगे, मतलब आपको एक एडिशनल वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा नेट असेट को लेकर, क्योंकि ये जो आपकी नेट असेट आई है ये तो इसमें तो प्रेफरेंस इंक्लूड है, अब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो 10%, क्योंकि इस 5 लाख में प्रेफरेंस का 60% है और इक्विटी में 10% है एनसीआई का। विपिन परीख, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। सर इफ पेरेंट डज नॉट हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस देन होल विल बी कंसिडर्ड टू बी एनसीआई शेयर, सो जब एनसीआई की वर्किंग तब पूरा 100% कंसिडर करना है ना? यस पूरा 100% कंसीडर करना है, जब एनसीआई की वर्किंग होगी तो पूरा 100% कंसीडर करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप में से कितने लोगों ने ये, आपको ये कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आपके लिए नया था, ये प्रेफरेंस वाला पॉइंट आप लोगों के लिए नया था? आप में से ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनको ऐसा लग रहा है कि प्रेफरेंस को लेकर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आया था माइंड में कभी ना कभी पर इतना ज्यादा ध्यान शायद नहीं गया, शायद, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गया ही नहीं होगा, डेफिनेटली आपने जहां से पढ़ा होगा बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि कितने लोगों ने आज तक प्रेफरेंस वाले इस पूरे पॉइंट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी या फिर कभी गई नहीं इंपॉर्टेंस। ओके, न्यू था रवि,
भाग्यश, थोड़ी चीज़ें नई थी सर। स्वाति, मी। विपिन, यस सर, इट वॉज न्यू फॉर मी, डिडेंट फोकस अ लॉट। शुभम, सर तो इफ पेरेंट डजंट हैव इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, देन स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स में प्रेफरेंस का इंक्लूजन विल इफेक्ट पेरेंट शेयर द सेम वे एज एनसीआई। यस, कैन से, कैन से। या तो ऐसे केस में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में फिर पेरेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप दिखाओ ही मत फिर ऐसे केस में। शुभम, यस सर, फॉर मी इट्स न्यू फॉर प्रेफरेंस शेयर। ओके, ठीक है। सो नाउ शैल वी प्रोसीड टूवर्ड्स ज्वाइंट अरेंजमेंट। एक ही चार्ट में इंड एस 111 और इंड एस 28 दोनों है। इंड एस 111 और इंड एस 28 दोनों है। पहले हम पढ़ेंगे इंड एस 111, पहले हम पढ़ेंगे इंड एस 111, पहले हम इंड एस 111 पढ़ेंगे, फिर इंड एस 28 पढ़ेंगे। और आज ही करना है यार ये चीज, बिल्कुल मुझे आज ना खत्म करना है बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन विद दिस थिंग्स ऑल्सो, खत्म करना है यार आज तो बिल्कुल। आज जितनी भी क्लास लग जाए, आज मुझे बीच में अगर 5-10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा तो भी मेरे को मंजूर है। बहुत हो गया यार। ओके, सो चलिए, आप अगर चाहो तो 2 मिनट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, मेरी वाटर बॉटल खत्म हो गई है, वाटर बॉटल से पानी खत्म हो गया है। सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए, है ना। हेलो, ओके, चलें बेटा स्टार्ट करें आगे। सर, लैंड के रिवॉल्यूशन में भी डिटेल डिटेल क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली जब रिवॉल्यूशन हुआ तो टैक्स बेस अलग होगा, टैक्स बेस अलग होगा, बुक वैल्यू अलग होगी, तो डिटेल डिटेल तो बनाना पड़ेगा ना।
डीटी डिटेल तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट। पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्वाइंट अरेंजमेंट की कहानी बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इस इंडेस को ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दूं कि इंडेस 28 कवर करने से पहले इंडेस 111 समझना जरूरी है। इंडेस 111 ये बताता है कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ज्वाइंट वेंचर के पहले आपको एक टर्म पढ़ना पड़ता है विच इज कॉल्ड ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे ज्वाइंट अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पर आपका इंड एस 28 अप्लाई नहीं होता, और कुछ ऐसे ज्वाइंट अरेंजमेंट होते हैं जहां पर इंड एस 28 अप्लाई होता है। तो अब मुझे अगर इंड एस 28 पढ़ना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ज्वाइंट अरेंजमेंट इंड एस 111 पढ़ना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेदर आई शुड अप्लाई इंड एस 28 और नॉट, आई हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंड एस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट। Now, what is called joint arrangement? What is joint arrangement? What is joint arrangement? Okay, joint arrangement contractually agreed. देखो word क्या बोल रहा है, contractually. Contractually मतलब there should be an agreement. ज्वाइंट अरेंजमेंट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है दो पार्टीज के बीच में। ये दो पार्टीज कौन? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। सिंपली ए लिमिटेड, बी एलएलपी। ज्वाइंट अरेंजमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट इज मस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। उस एग्रीमेंट के अनुसार यह समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टीज के पास कंट्रोल है। अभी तक हमने जितनी भी पोर्शन पढ़ा है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, अभी तक हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन का जितना भी पोर्शन पढ़ा हुआ है, उस पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन के पोर्शन में हमने यह पढ़ा कि एक सिंगल अक्वायरर पार्टी के पास कंट्रोल होता है। कंट्रोल एग्जिस्ट विद द सिंगल पार्टी। नाउ अंडर ज्वाइंट अरेंजमेंट, ज्वाइंट अरेंजमेंट कंट्रोल इज विथ मोर देन वन पार्टीज, एंड दैट कंट्रोल इज ज्वाइंट कंट्रोल, एंड दैट इज दैट कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल इज एग्रीड अमंग द पार्टीज बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में यह बोला गया है कि कंट्रोल तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, दोनों के पास मैनेजमेंट राइट्स हैं, दोनों के पास डिसीजन मेकिंग राइट्स हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, फिर से पढ़ रहा हूं, contractually agreed sharing of control, मतलब there must be an agreement between the parties। उस agreement में control के share की बात होनी चाहिए कि yes हम दोनों आपस में control को share कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि agreement में लिखा होना चाहिए specifically, indirectly agreement पढ़ के यह समझ में आना चाहिए कि there is a sharing of control where decisions to direct relevant activities requires unanimous consent। अब ये होता क्या है, व्हाट इज शेयरिंग ऑफ कंट्रोल? शेयरिंग ऑफ कंट्रोल मींस यहां पर ये कि जहां पर किसी भी अगर मुझे रेलेवेंट एक्टिविटी पे डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहां पर सिर्फ मेरी नहीं चलेगी, तेरी भी चलेगी। सिर्फ तेरी नहीं चलेगी, मेरी भी चलेगी, और हम दोनों का यूनैनिमस कंसेंट होना जरूरी है। अब मान लीजिए तीन लोग थे, ए बी सी, तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तीनों का आपस में एग्रीमेंट है, शेयरिंग ऑफ कंट्रोल है। पर एग्रीमेंट में यह लिखा गया है कि अगर किसी भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन मेकिंग हमें जब करनी है, डिसीजन लेना है, तो अगर मेजोरिटी होगा, अगर मेजोरिटी होगा तो डिसीजन ले लिया जाएगा। दिस इज नॉट अ यूनैनिमस कंसेंट। सो बेसिकली फॉर ज्वाइंट अरेंजमेंट्स टू अंडरटेक there must be a unanimous consent, and this unanimous consent must be agreed as per the agreement, as per the contract. So joint arrangement ka hi definition hai. Pura definition ko maine char hisson mein tod ke bataya. What is joint arrangement? A contractually agreed sharing of control. Contractually agreed sharing of control where the decisions about relevant activities, decision about डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्स यूनैनिमस कंसेंट। ठीक है,
सो ज्वाइंट अरेंजमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है. पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल होना जरूरी है. ऑल पार्टीज मस्ट हैव कंट्रोल, इसमें बोल सकते हैं ऑल पार्टीज मस्ट हैव ज्वाइंट कंट्रोल. अंडरस्टूड और नॉट? और कोई भी रेलेवेंट डिसीजन लेने के लिए यूनैनिमस कंसेंट का होना जरूरी है. अगर ऐसा कुछ है तो ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है. अगर ए और बी का सिर्फ कंसेंट है, या बी और सी का कंसेंट है, या ए और सी का कंसेंट है मेजोरिटी, तो फिर वो ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट्स. ज्वाइंट अरेंजमेंट्स दो टाइप के होते हैं. मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा ज्वाइंट अरेंजमेंट होगा जिसके ऊपर इंडिया 28 नहीं लगेगा, और दूसरा ऐसा होगा जिसके ऊपर इंडिया 28 लगेगा. एक होता है जेओ, एक होता है जेवी. ज्वाइंट अरेंजमेंट जे ए, वी आर टॉकिंग अबाउट जे ए, जे ए ज्वाइंट अरेंजमेंट. ज्वाइंट अरेंजमेंट दो टाइप का होता है, जेओ ज्वाइंट ऑपरेशन, और दूसरा जेवी ज्वाइंट वेंचर. व्हाट इज ज्वाइंट ऑपरेशन? वेंचरर्स, वेंचरर्स मतलब जो पार्टीज हैं उस ज्वाइंट ऑपरेशन में, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड को बोलेंगे वेंचरर, बी लिमिटेड को बोलेंगे वेंचरर, और हम दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक काम मिलकर साथ में करेंगे, या एक न्यू कंपनी बनाएंगे, तो वो हमारा बन गया ज्वाइंट अरेंजमेंट. हम दोनों मिलकर साथ में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट अरेंजमेंट. हम दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी बनाएंगे, दिस इज ज्वाइंट अरेंजमेंट. अब हम दोनों कौन है? वेंचरर्स. और जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं वो क्या है? वो ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है, वो ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है. आगे समझाने से पहले मैं आपको सिंपल लेमेन लैंग्वेज में बता देता हूं. अगर हम दोनों ने मिलकर एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई है, न्यू कंपनी बनाई है, जिसमें 50% शेयर आपका है, 50% शेयर मेरा है, हम दोनों ने मिलकर एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई है, जैसे होता है कई बार होता है, जैसे बिल्डर्स के केस में बहुत देखा गया है, आपने भी देखा होगा रियल लाइफ में, कि एक अकेले बिल्डर के पास इतना बजट नहीं होता, इतना फाइनेंस कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सके. ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है दो तीन बिल्डर्स मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. तो मान लीजिए हम दोनों बिल्डर्स हैं, अलग अलग हमारी कंपनीज हैं, हमने एक सेपरेट एक कंपनी बनाई, सेपरेट एक कंपनी बनाई, सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई, उस सेपरेट लीगल एंटिटी में हम नए प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करेंगे. ठीक है, जहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड ने मिलकर एक बनाई सी लिमिटेड, दैट सी लिमिटेड इज दिस अ सेपरेट लीगल एंटिटी? यस. जहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी वो डेफिनेटली आपका ज्वाइंट वेंचर होगा. ज्वाइंट वेंचर तभी होगा जब सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अलग से एक कंपनी बनाई गई है. ज्वाइंट ऑपरेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी जरूरी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. फिर क्या होता है? मान लीजिए आप भी बिल्डर हैं, मैं भी बिल्डर हूं, बट हमने एक सेपरेट एंटिटी ना बना के हमने एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गवर्नमेंट से, और वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों मिलकर इनिशिएट कर रहे हैं. टोटल वो जो ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से 1 किलोमीटर का मुझे बनाना है, 1 किलोमीटर का आपको बनाना है. हमने ये डिसाइड किया 1 किलोमीटर का मुझे बनाना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको बनाना है. वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन जैसे ही हो जाएगा हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हम दोनों ने उसके लिए एक सेपरेट कंपनी नहीं बनाई ना, हमने सिर्फ इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट करने के लिए साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ ज्वाइंट वेंचर, दिस इज अ ज्वाइंट ऑपरेशन. एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं. दूसरा, मान लीजिए आपकी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मेरी कंपनी है भारत पेट्रोलियम. अब दोनों को मान लीजिए एक गैस पाइपलाइन ले डाउन करना है, एक गैस पाइपलाइन क्रिएट करना है, ताकि उसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर कर सकें. अंडरस्टूड नॉट? आउटसाइड कंट्री भी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री भी. अब उसके लिए हमने क्या किया? हमने बोला कि यार हम एक कॉमन गैस पाइपलाइन क्रिएट करेंगे. अलग अलग गैस पाइपलाइन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है. गवर्नमेंट से हमें यही आदेश आया है, गवर्नमेंट से हमें यही ऑर्डर आया है कि हमें कॉमन गैस पाइपलाइन क्रिएट करके हम उस कॉमन गैस पाइपलाइन को दोनों ऑपरेट करेंगे साथ में मिलकर, दोनों उसको साथ में मेंटेन करेंगे, ऑपरेट करेंगे. सो बेसिकली दिस गैस पाइपलाइन इज एन असेट, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट. दिस इज अ ज्वाइंटली कंट्रोल असेट, मतलब इसमें तुम्हारा भी अधिकार है, इसमें मेरा भी अधिकार है,
इसमें मैं भी अपना पैसा लगाऊंगा, तुम भी अपना पैसा लगाना, इसको तुम भी यूज करोगे मैं भी यूज करूंगा। सो बेसिकली अगेन इट इज अ ज्वाइंट ऑपरेशन बिकॉज यहां पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं क्रिएट हुई। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि ज्वाइंट ऑपरेशन कब होगा, ज्वाइंट वेंचर कब होगा। ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है। वेंचरर्स हु आर शेयरिंग कंट्रोल हैव, पहले 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 ज्वाइंट वेंचर पढ़ रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर, वेंचरर्स हैविंग ज्वाइंट कंट्रोल हैव राइट टू, उनका किस में राइट है, नेट असेट्स, नेट असेट्स मतलब ऑल असेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट। अब क्योंकि यहां पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उस सेपरेट लीगल एंटिटी में सारे के सारे असेट माइनस सारे के सारे लायबिलिटीज, ओवरऑल नेट असेट में मेरा हिस्सा और ओवरऑल नेट असेट में तुम्हारा हिस्सा, अगर कुछ ऐसा है तो ये ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। पूरी जो कंपनी है उसमें, पूरी कंपनी में का नेट असेट्स में मेरा कितना हिस्सा, पूरे नेट असेट में तुम्हारा कितना हिस्सा, अगर ऐसे हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ज्वाइंट वेंचर है। जबकि अगर मैं सिचुएशन बदल दूं कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी में फर्नीचर तो पूरा पूरा तुम्हारा है, उसमें मेरा हिस्सा है ही नहीं, पीपी में 60% तुम्हारा है, 40% मेरा है, व्हीकल्स पूरे के पूरे मेरे हैं, मतलब यहां पर इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटीज पर हम बोल सकते हैं कि ये तो तुम्हारा ही है, इसमें मेरा नहीं है, ये मेरा है इसमें तुम्हारा नहीं है, इसमें हमारा 60-40 है। मतलब पढ़ो, वेंचरर्स हु आर शेयरिंग कंट्रोल हैव राइट टू असेट्स, मे नॉट बी ऑल असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू लाइबिलिटीज। अब मान लीजिए इस कंपनी में जो कंपनी क्रिएट की उसमें मान लीजिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सिर्फ तुम ही बियर करोगे, मैं नहीं बियर करूंगा, तो ऑब्लिगेशन टू लाइबिलिटीज मे नॉट बी ऑल लाइबिलिटीज। अगर इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटीज पर हमारा शेयरिंग है, इंडिविजुअल असेट्स पर अलग अलग शेयरिंग, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज पर अलग अलग शेयरिंग, तो वो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। जबकि अगर ओवरऑल नेट असेट्स पर शेयरिंग है तो वो ज्वाइंट वेंचर होगा। असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स, इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इज थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी देन जनरली इट विल बी जेवी। जनरली बोला मैंने, एक्सेप्शनली मान लीजिए जेवी क्रिएट कर ली हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट कर ली हमने, तो सेपरेट लीगल एंटिटी में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बावजूद वो ज्वाइंट ऑपरेशन कहलाएगा। बट जनरली ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि एक छोटा सा टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या एक ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट है, तो ऐसे केस में वो ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। पर अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो वो ज्वाइंट वेंचर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग अंडर ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, ज्वाइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग क्या होगी। अब सीधी बात है, दो टाइप के ज्वाइंट अरेंजमेंट होते हैं, एक ज्वाइंट ऑपरेशन एक ज्वाइंट वेंचर। अगर ज्वाइंट वेंचर है, अगर ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहां पर आपका लगता है इंड एस 28, वहां पर आपको इंड एस 28 फॉलो करना पड़ता है। इंड एस 28 क्या बोलता है, अप्लाई इक्विटी मेथड। क्या होता है इक्विटी मेथड, अपन इंड एस 28 में पढ़ेंगे। आते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन में, ज्वाइंट ऑपरेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको एग्जांपल क्या बोला था कि एचपी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर एक कॉमन असेट बनाई, क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ भी कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं, कोई भी इक्विटी मेथड करने की जरूरत नहीं। आप अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50% ऑफ दिस असेट दिखाओगे और मैं अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50% ऑफ नेट असेट दिखाऊंगा, दैट्स इट, 50% ऑफ दिस असेट दिखाऊंगा। हमने बोला कि हम एक ब्रिज मिलकर साथ में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो 2 किलोमीटर का ब्रिज है उसमें से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस तुम कवर करोगे, जो 1 किलोमीटर मैं कवर करूंगा उसके जो भी खर्चे मैं कर रहा हूं मैं अपनी बुक्स में अपने SFS में रिकॉर्ड करूंगा, तुम जो खर्चे कर रहे हो अपने वाले पोर्शन पे तुम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना, जितना भी हमें गवर्नमेंट से रेवेन्यू आएगा उसका हम 50-50% शेयर करेंगे, तो 50% पोर्शन मैं अपने सेल्स में दिखा दूंगा, 50% पोर्शन तुम अपनी सेल्स में दिखा देना, दैट्स इट। तो पोर्शन पोर्शन अलग अलग करके अपने अपने SFS में दिखा देते, दैट्स इट। No separate books of JO are maintained. Each venturer sharing control shall record its own share in assets, liabilities, incomes, expenses of JO in its own SFS. ठीक है? If there is a transaction between venturers and JO, अब मान लो जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है उसमें मैंने अपना पर्सनल असेट ट्रांसफर किया, ट्रांजेक्शन बिटवीन वेंचरर एंड जेओ, उसका क्या होगा, वेंचरर सेलिंग गुड्स और रॉ मटेरियल टू जेओ, मान लीजिए मैंने अपना मटेरियल ट्रांसफर किया,
देन वेंचरर शैल रिकॉर्ड इट्स ओन शेयर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट लॉस ऑन सच ट्रांजेक्शन। अब जब मैं ज्वाइंट ऑपरेशन में कुछ मटेरियल दे रहा हूँ, जरूरत है मान लीजिए वो जो जो 2 किलोमीटर का ब्रिज बनाने वाले हैं उसमें एक मटेरियल की जरूरत है, मान लीजिए वो मटेरियल मैं दे रहा हूँ, अब उसमें मैं कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न करूंगा। अब टेक्निकली मैं अपने आप से ही कुछ अर्न कर रहा हूँ, उसमें ए लिमिटेड भी है और मैं बी लिमिटेड हूँ, मैं ए और बी दोनों से अर्न कर रहा हूँ, तो जो उस प्रॉफिट में जितना मेरा पोर्शन है वो मैं बुक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेल उतनी बुक करूंगा जितना अदर पार्टी से मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। सो बेसिकली इफ द वेंचर इज अर्निंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स ओन शेयर, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस तरीके से देखते हैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड स्टार्टेड अ ज्वाइंट ऑपरेशन विदाउट सेपरेट लीगल एंटिटी शेयरिंग 50% ईच। ए लिमिटेड सोल्ड रॉ मटेरियल टू इट्स ज्वाइंट ऑपरेशन, ए लिमिटेड ने रॉ मटेरियल बेचा ज्वाइंट ऑपरेशन को कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज एट 6 लाख। अब सोचो 5 लाख रुपए का मटेरियल मैंने 6 लाख में बेचा तो 1 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ, मैंने किससे फायदा अर्न किया, ए लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज से, 1 लाख रुपीज का, किससे, ज्वाइंट ऑपरेशन से। ए लिमिटेड हैज अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम जेओ, ए लिमिटेड हैज अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम जेओ, ए लिमिटेड हैज अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड हैज अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम ए एंड बी। सो ए बोल रहा है कि मैंने ए और बी से कमाया, तो जो ए ने ए से कमाया वो तो अपने आप से कमाया, तो वो प्रॉफिट थोड़ी होगा। वॉट शुड बी द बुक्स ऑफ ए, ए एंट्री क्या करेगा, ए बोलेगा ये जो 6 लाख रुपए है इस 6 लाख में 50-50 करेंगे, 50-50 करेंगे, तो मैंने 6 लाख में बेचा ज्वाइंट ऑपरेशन को, उसमें मैं खुद हूं 50% का हिस्सेदार, बाकी बी है, तो मैं बोलूंगा बी तू मुझे 3 लाख रुपए दे दे, तो बी से मुझे 3 लाख रुपीज मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं, मुझे बी से 3 लाख रुपीज मिलेंगे, बाकी कौन बैठा है, मैं खुद हूं, तो मैं अपना परचेज दिखा दूंगा 2.5 लाख का, 2.5 लाख का क्यों, क्योंकि 3 लाख में मेरा प्रॉफिट शामिल है 50,000 का, और सेल मेरी हो जाएगी 550। सेल 550 कैसे होगी, मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल सेल कितनी है 6 लाख, उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है 1 लाख का 50%, 50,000, तो आई विल नॉट बुक माय प्रॉफिट एक्चुअली। बी लिमिटेड क्या एंट्री करेगा, परचेज किया उसने 3 लाख का ए लिमिटेड से, टेक्निकली ये अपनी अपनी बुक्स में वो एंट्री करेंगे। मुझे लगता है आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, आपने ये पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, सो बेटा दिस इज योर ज्वाइंट अरेंजमेंट, ये हो गया आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ज्वाइंट अरेंजमेंट क्या होता है। मुझे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, लाइव चैट इनेबल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, छोटा सा, पर ये लाइव लेक्चर चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं नया लिंक आपको दूंगा, छोटा सा मैं ब्रेक भी लूंगा आपके डाउट्स एंटरटेन करने के बाद। ज्वाइंट अरेंजमेंट, आप मुझसे कुछ अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। शिवम कभी इतना इजी नहीं लगा, ओ हो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे डाउट पूछो रहा भाई, प्लीज शेयर द चार्ट इन टेलीग्राम सर। मेरे सारे चार्ट्स तो टेलीग्राम पे घूम रहे फिर रहे, मैं क्या शेयर कर लूँ बेटा, टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं क्या शेयर करूँ, ऑलरेडी माय चार्ट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, सो मेनी स्टूडेंट्स आर शेयरिंग द चार्ट्स, यू कैन फाइंड इट आउट। ए लिमिटेड ने अगर जेओ को सेल किया है तो वो सेल की एंट्री करेगा, ये परचेज इन जेओ क्यों आएगा, अरे ए लिमिटेड ने ए और बी को बेचा तो ए लिमिटेड सेल की एंट्री करेगा, फिर यहां भी ए लिमिटेड खड़ा हुआ है,
यहां भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का खड़ा हुआ है, तो यहां जो जेओ में ए लिमिटेड खड़ा हुआ है वो बोलेगा भाई मैंने तुझसे परचेज किया, तो टेक्निकली सेल और परचेज कट ऑफ हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझने की? नहीं। तो कहने का मतलब आप इस एंट्री को ऐसा भी कर सकते हो, आप इस एंट्री को ये भी कर सकते हो, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3 लाख, क्योंकि परचेज से सेल डिडक्ट हो जाएगा। बट हम ऐसा एंट्री क्यों कर रहे हैं, हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, एक सेकंड मेरा स्क्रीन कहां चला गया, हाँ हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, ये एंट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि परचेज को अलग प्रेजेंट कर सके और सेल को अलग प्रेजेंट कर सके। सिंपली ठीक है, बताइए साहब आपको और कुछ पूछना हो तो। जब तक बाकी लोग डाउट्स पूछें, एक आपको बात याद दिलानी थी, मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल पर, सीए जय चावला चैनल पर एक वीडियो डाला था कि मैं अपनी एफआर की बुक्स को अपडेट कर रहा हूं और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो मेरे को सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। उसके लिए मैंने बोला भी था कि मैं उसका, जिसका भी मुझे हेल्प अच्छा लगेगा, सपोर्ट अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि उन्होंने रेलेवेंट चीज़ों मुझे बताई हैं, तो मैं उनका नाम अपनी बुक में भी डालूंगा, उनको एक बुक सेट भी दूंगा और एक ऑनोरेरियम भी प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल पे जाके, सी ए जय चावला चैनल पे जाके आप वो वीडियो देखेगा कि वो क्या है। मैं अपनी एफआर की बुक्स को अपडेट करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिले ताकि बुक्स अच्छे से डेवलप हो सके और आगे आने वाले बच्चों के लिए और फायदा हो। डाउट नहीं पूछ रहे हो, आगे बढ़े। एक काम करते, अगर आपके पास डाउट नहीं है तो मैं स्क्रीन को फ्लिप कर रहा हूं, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आई विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है सर, व्हेन वी से जॉइंट वेंचर शुड बी सेपरेट लीगल एंटिटी, देन कैन देयर बी इक्विटी शेयर कैपिटल इन इट? यस, इट कैन बी इक्विटी। इफ जॉइंट वेंचर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी देन देयर मस्ट बी द इक्विटी शेयर कैपिटल इन दैट जॉइंट वेंचर, ऑब्वियसली। और वही तो हम पढ़ेंगे अभी इंडिया 28 में कि उसका क्या होगा, डोंट वरी, हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक इन द सेम सेशन, I'm not going to end this session right now. This session will be continue. Okay? I'm taking 5 minutes break.
ओके सो बच्चों आ जाओ, वापस से सेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चों जल्दी, वापस से सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे आप मुझे रिप्लाई करते जाएं चैट में। ओके लेट्स प्रोसीड। ओके दो मिनट और वेट कर लेते हैं, रुक जाइए, वेट कर लेते हैं और दो मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है स्टार्ट करते हैं। इंड एस 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स। हमने ऊपर इंड एस 111 में पढ़ा था कि अगर जेवी है तो इंड एस 28 लगेगा। अब पहले मुझे दो मिनट कुछ बताने दीजिए कि क्या हम बात करना चाह रहे हैं। There is one company called P Limited और P Limited का एक बैलेंस शीट होगा जिसमें दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लेट्स से 90%, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर जेवी लेट्स से 40% और 50%, एंड देयर इज वन अनदर इन्वेस्टमेंट विच इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लेट्स से 25%। ठीक है ऐसा कुछ होगा। सब्सिडरी आपको पता है कौन होता है, जेवी भी अब आपको मालूम पड़ चुका है, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड मतलब एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ज्वाइंट कंट्रोल होता है। एसोसिएट क्या होता है, चलिए आइए पहले एसोसिएट को डिफाइन करते हैं इंड एस 28 के अकॉर्डिंग। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी कौन होती है, वेयर इन्वेस्टमेंट इज 20% और मोर बट अप टू 50%। एसोसिएट कंपनी मतलब जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मिनिमम 20% ऑफ द इक्विटी शेयर अप टू 50%, बिकॉज 50% से ज्यादा होगा तो वो सब्सिडरी बन सकता है। तो जहां इन्वेस्टमेंट मिनिमम 20% होगा अप टू 50% होगा तो वो कंपनी सामने वाली बन जाएगी हमारी एसोसिएट और हम कौन होंगे, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर गेट्स
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी बट नॉट द कंट्रोल। अब आप जानते हो कि जहां सब्सिडरी का केस होता है वहां इन्वेस्टर के पास कंट्रोल आ जाता है, जिसको हम अक्वायरर बोलते हैं। बट इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी वी डोंट गेट कंट्रोल बेसिकली बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग मोर देन 50%। अब आप बोलोगे सर जनरली आपने भी बोला था कि 50% से अगर कम भी हो तो भी सर कंट्रोल आ सकता है, बात सही है, बट यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल है कि कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है और हमने 50% से कम एक्वायर किया है, 20 के ऊपर एक्वायर किया है, तो देयर मस्ट बी अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नाउ हाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल। सी कंट्रोल मींस आई कैन डायरेक्ट एनी रेलेवेंट एक्टिविटी ऑफ योर कंपनी। आई कैन डायरेक्ट, डायरेक्ट मींस ये ऐसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो, आई कैन डायरेक्ट, दिस इज कंट्रोल। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस आई एम नॉट एबल टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज बट यस आई हैव दैट मच पावर, आई हैव दैट मच पावर टू इन्फ्लुएंस द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ योर कंपनी। आई एम नो वन टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज बट आई एम द वन हु कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स आपको मेरी सुननी तो पड़ेगी। सुननी मतलब जैसे मान लीजिए होता है ना कि इट्स लाइक क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा। अब लोकसभा में मेजोरिटी किसके पास है? द रूलिंग पार्टी के पास। बट जिसके पास मेजोरिटी नहीं है, दैट मींस फॉर एग्जांपल कांग्रेस और एक्स वाई जेड कोई भी, तो दे आर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल बट दे आर इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज वो आए दिन कुछ ना कुछ उनसे लड़ते रहते हैं, रूलिंग पार्टी से लड़ते रहते हैं, रूलिंग पार्टी उनसे लड़ती रहती है, तो उनको भी रूलिंग पार्टी को भी उनके दबाव में आके थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। सो क्या होता है कि जहां पर हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट कहीं ना कहीं हम मुंह खोल सकते हैं, हम आवाज दे सकते हैं, हो सकता है हमारा सुना तो जाए एटलीस्ट। उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो नहीं लो वो कुछ नहीं कह सकते बट एटलीस्ट हमारे पास इन्फ्लुएंस करने का पावर है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। अब जैसे कोई भी वहां पर वोटिंग होती है लोकसभा में, तो ऐसा थोड़ी कि बस बीजेपी की रूलिंग गवर्नमेंट ही वोटिंग करती है, वोटिंग में हिस्सा तो कांग्रेस भी लेता है, वो भी तो वोट करते ना। दैट मीन्स दे आर हैविंग पावर टू पार्टिसिपेट इन दैट डिसीजन, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो इन्वेस्टर के पास क्या है? इन्वेस्टर के पास कंट्रोल नहीं है, इन्वेस्टर के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। अब मुद्दा क्या है, वापस आते हैं। सब्सिडरी के केस में कंसोलिडेशन ऑफ नेट असेट्स इज मस्ट। सब्सिडरी के नेट असेट्स को हमें कंसोलिडेशन करना ही है, बट यहां पर नेट असेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसोलिडेटेड। नेट असेट कंसोलिडेट नहीं होते। अच्छा सर, नेट असेट कंसोलिडेट नहीं होते, सर फिर हम पढ़ी क्यों रहे? इंस्टेड ये जो दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन दोनों इन्वेस्टमेंट का करना क्या होता है? बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रीवैल्यूड। अब ये रीवैल्यूड शब्द बोलना सही नहीं है बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि वर्ड बोलना चाहिए मेजर्ड एट इक्विटी मेथड अंडर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपने तो बोला कि कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, मैंने बोला इन दोनों के नेट असेट्स को कंसोलिडेट फाइनेंशियल कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं, पर मैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना रहा हूं ना क्योंकि मेरे पास सब्सिडरी है, तो मैं उसी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इक्विटी मेथड पे वैल्यू करूंगा। सर 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 रुक जाइए,
आपने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले पार्ट वन में, तो आपने इंडेस 27 पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था। तो सर आपने इंडेस 27 पढ़ाया था, उसमें बोला था कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को बैलेंस शीट में इधर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल लगाते हैं। मैंने बोला था वो कौन सी बैलेंस शीट में? एसएफएस में। इन्वेस्टर या पेरेंट कंपनी अपने एसएफएस में कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल लगाएगा, बट हम यहां पर बोल रहे हैं इक्विटी मतलब लगाएगा अंडर सीएफएस में। पर सर सीएफएस की जरूरत तो तभी पड़ेगी जब हमारे पास सब्सिडरी हो। अगर सर हमारे पास सब्सिडरी है ही नहीं, फिर तो हम सीएफएस बनाएंगे ही नहीं। फिर भी तो भी इंडेस कहता है कि एक तो आपका एसएफएस बनेगा जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट वो सब एज पर इंडेस 27 कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल देखेंगे। अब अलग से आप एक और स्टेटमेंट बनाओगे, भले आपके पास सब्सिडी नहीं है, आप एक और स्टेटमेंट बनाओगे, उसको आप बाय डिफॉल्ट सीएफएस बोलोगे, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट को इक्विटी मेथड पे बुक करोगे, क्योंकि आपके पास सब्सिडी तो है ही नहीं, तो आप इन दोनों को इक्विटी मेथड पे बुक करोगे। तो वेदर और नॉट यू हैव कंसोलिडेटेड, वेदर और नॉट यू हैव सब्सिडी, यू हैव टू अप्लाई इंड एस 28 फॉर ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम एसएफएस। अंडरस्टूड? तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मेजर करना है इक्विटी मेथड पे। अब सोचो अगर ये इन्वेस्टमेंट्स, मैं पहले आपको एंट्री बता रहा हूं, अगर ये इन्वेस्टमेंट जेवी का मान लीजिए दिख रहा है 5 लाख और ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 4 लाख, अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस 4 लाख की वैल्यू एज पर इक्विटी मेथड 4,20,000 है, तो क्या करोगे आप? 4 लाख को 4,20,000 पे दिखाओगे, उसके लिए आप 20,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तो आपको टेक्निकली एक एंट्री क्या पास करनी चाहिए? आपको एंट्री पास करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000। टू टू क्या? टू आपका फायदा, एक्चुअली टू आपका फायदा, तो टू पीएनएल या फिर कभी कभार टू ओसीआई। मैं बताऊंगा कि पीएनएल कब आएगा, ओसीआई कब आएगा, वो मेरा काम है बताना, पर अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप जब भी इन्वेस्टमेंट को अप एंड डाउन करोगे तो आप उसका रिस्पेक्टिव दूसरा इफेक्ट कहां पर दोगे? पीएनएल में या फिर ओसीआई में। समझ गए? चाहे वो जेवी का इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, पहले अपन समझते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड। व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर देन इन्वेस्टर वेंचरर, इन्वेस्टर मतलब एसोसिएट के केस में, वेंचरर मतलब जेवी के केस में, हैज टू अप्लाई इंड एस 28 इन इट्स सीएफएस और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर देन एसएफएस वेयर इक्विटी मेथड इज अप्लाइड। चाहे तेरे पास सीएफएस है चाहे नहीं है, अगर सीएफएस है तो तू अपने सीएफएस में जेवी और एसोसिएट के इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड अप्लाई करेगा। अगर तेरे पास सब्सिडी नहीं तो तू सीएफएस तो बनाएगा नहीं, तू एसएफएस को नहीं छेड़ेगा, तू एक और स्टेटमेंट बनाएगा जहां पर तू अपने जेवी और एसोसिएट को इक्विटी मेथड पे दिखाएगा। और सर उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच वेयर इक्विटी मेथड इज अप्लाइड, ऐसा बोलते हैं। नाउ हाउ द इक्विटी मेथड विल बी एप्लीकेबल? सिंपली है, तेरे को अपने इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू ऊपर नीचे करना है। अब कैसे करना है उसको समझ, पहले ध्यान से उसको समझ। तेरे को अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ऊपर नीचे करना है। आपको याद है हम सब्सिडरी के केस में स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स चेंजेस बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स, उसमें आपको याद होगा एक कॉलम था डीओए और एक कॉलम था चेंज कॉलम। आपको याद होगा उस चेंज कॉलम को हम पोस्ट बोलते थे और डीए को हम प्री बोलते थे। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, इक्विटी मेथड कर बोलता है कि जो भी आपके चेंज कॉलम मतलब जो भी आपके पोस्ट एक्विजिशन, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था जेवी में या जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था एसोसिएट में, उसके बाद के पीरियड में जो भी आपके चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करो इन्वेस्टमेंट में। कैसे? आपने 1/7 इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, सो बेसिकली ये आपका पोस्ट पीरियड हो गया, ये आपका पोस्ट पीरियड हो गया। अब इस पीरियड में, इस पोस्ट पीरियड में मान लीजिए एसोसिएट कंपनी ने 50,000 नेट प्रॉफिट ऑन किया, कितना? 50,000, और उसमें मान लीजिए आपका हिस्सा है लेट अस से 25%। तो सोचो अगर एसोसिएट कंपनी ने 50,000 अर्न किया या जेवी ने 50,000 अर्न किया,
उसमें आपका 25% हिस्सा है, तो उसका 25% हिस्सा निकालो, 12,500। 12,500 बोलोगे, इन्वेस्टर बोलेगा वाओ, सबसे एसोसिएट या जेवी ने 50,000 कमाए, उसमें 25% मेरा हिस्सा, मैं 25% मतलब मैं 12,500 से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता हूं, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट अभी तक जितने किए हैं वो तो मुझे उससे रिकवर करने ही है इन एनी वे। नाउ आई वॉन्ट टू रिकवर दिस फिगर ऑल्सो, सो टू रिकवर दिस फिगर आई विल इंक्रीज माई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू माई P&L। यहीं पर अगर एसोसिएट और जेवी ने मान लो लॉस अर्न किया, तो हम बोलेंगे ओ माई गॉड दे हैव अर्न, दे इनकर्ड द लॉस, उसमें हमारा शेयर है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी। वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो लॉस करेगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने 12,500 से एक एंट्री पास की, हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी टू P&L, कितना 12,500 P&L क्यों किया, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट एज पर P&L है इसीलिए, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं कि मान लो 50 में से 40,000 नेट प्रॉफिट है और 10,000 OCI का फिगर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे टोटल तो 50,000 है जिससे मेरी 12,500 की वैल्यू बढ़ गई, उसमें से 40 मतलब 10,000 से मैं अपना P&L कर दूंगा, और क्योंकि बाकी 10,000 OCI वाला पोर्शन है उसके एसोसिएट कंपनी में, तो मैं अपना भी OCI करूंगा 2,500। अगर उसकी OCI से रिलेटेड चीज बढ़ रही है तो आप अपने OCI में बुक करोगे, अगर उसके P&L से रिलेटेड चीज बढ़ रही है तो आप अपने P&L में बुक करोगे। सिंपली मतलब यू हैव टू कंसीडर ओनली द पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, आइए हाउ टू अप्लाई दिस इक्विटी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इन एसोसिएट और जेवी, दिस इज द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, दिस इज बेसिकली द कॉस्ट, अंडरस्टूड। नाउ एड पोस्ट एक्विजिशन शेयर एंड प्रॉफिट एंड OCI, एसोसिएट कंपनी में या जेवी में जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया एज पर P&L एंड एज पर OCI, एज पर P&L तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, उसका दूसरा इफेक्ट देंगे टू P&L, उसके OCI में दिख रहा है प्रॉफिट तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, दूसरा इफेक्ट देंगे OCI, एड कर देंगे। उसने प्रॉफिट अर्न किया हम बोलेंगे वो प्रॉफिट हमारा रिकवरेबल है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो जब उसने प्रॉफिट अर्न किया तो हमने बोला हमें वो रिकवरेबल है तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। अब उसने उसी प्रॉफिट में से अगर मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मुझे डिविडेंड मिल गया। अब जब मुझे डिविडेंड मिल गया तो मैं बोलूंगा मेरा डिविडेंड मुझे मिल गया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन मुझे रिकवर हो गया, तो मैं माइनस कर रहा हूं। जब मैं प्रॉफिट जो मुझे रिकवरेबल है, दिस इज द प्रॉफिट विच इज रिकवरेबल यू हैव अर्नड, तो मैं ऐड कर रहा हूं, तो जिसमें से उसमें से अगर मुझे कुछ पोर्शन रिकवर हो चुका है तो मैं लेस करूंगा। सो वॉट एवर डिविडेंड आई एम रिसीविंग फ्रॉम दैट एसोसिएट और जेवी आई विल डिडक्ट इट, व्हाई, बिकॉज आई हैव रिकवर्ड ऑलरेडी, सो इन्वेस्टमेंट को मैं कम कर दूंगा। सो इन्वेस्टमेंट को मैं इक्विटी दिखा रहा हूं, मतलब क्या इक्विटी मेथड, मतलब इट इज एज गुड एज प्रपोर्शन ऑफ नेट असेट, एसोसिएट कंपनी का जो भी नेट असेट वर्थ है उसके बराबर उसके प्रपोर्शन में उसका 25% अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाऊंगा। अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया तो उसका नेट असेट बढ़ेगा तो उतने से मुझे अपना पोर्शन बढ़ाना है, अगर उसने लॉस किया तो उतने से मुझे गिराना है उतने प्रपोर्शन में। उसने मुझे डिविडेंड पे कर दिया तो उसके नेट असेट गिरे होंगे, डिविडेंड पे किया होगा तो P&L से किया होगा डिविडेंड गिरे होंगे, डिविडेंड पे किया होगा तो आपका नेट असेट कम हुआ होगा, तो ऑब्वियसली मुझे भी इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एडिशनल और सेविंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, ये वो है हमने पढ़ा था सब्सिडी वाले केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन में, कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिवैल्यूएशन करते हैं असेट का, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अराइज होता है या सेविंग इन डेप्रिसिएशन अराइज होता है उसमें हमारा कितना हिस्सा है, जिससे हमारे अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे कम करना पड़ेगा। अगर सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब मेरे को प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर शेयर, वही सेम, मैंने उसको स्टॉक बेचा था कुछ दिन पहले, उसके पास स्टॉक अभी भी अनसोल्ड रखा है, उस अनसोल्ड स्टॉक में मेरा कितना प्रॉफिट है, आ रही बात समझ में कि नहीं, उसमें मेरा जो प्रपोर्शनेट शेयर है, फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट कंपनी की बैलेंस शीट में अनसोल्ड स्टॉक रखा है 50,000 फ्रॉम इन्वेस्टर,
ओरिजिनल कॉस्ट 40,000। क्या ये 50,000 में मेरा पूरा का पूरा शेयर है? नहीं, मैं एसोसिएट मेरी वो एसोसिएट कंपनी है, यहां पर सब्सिडियरी नहीं है। तो इसका सबसे पहले 25% कितना हुआ? 12,500। जब 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी तो सेल वैल्यू 50,000 थी। जब 12,500 का ही शेयर है तो उसमें सेल वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 इसकी कॉस्ट होगी। तो टेक्निकली 2,500 का प्रपोर्शन मुझे गिराना है। तो बोल रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर शेयर। जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 10,000, उसमें इन्वेस्टर का कितना शेयर? सिर्फ 25%। इंपेयरमेंट लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर शेयर। सर ये इंपेयरमेंट लॉस क्या है? मान लो एसोसिएट कंपनी ने या ज्वाइंट वेंचर ने अपने किसी पीपीई का इंपेयरमेंट किया है, इंपेयरमेंट करने से उसकी नेट एसेट गिरी होगी, नेट एसेट गिरेगी तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को गिराएंगे, तो वो करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा हूं, गिरा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, गिरा रहा हूं। कैसे? क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट्स ऑफ एसोसिएट, ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। इक्विटी मेथड इज नथिंग, इट इज जस्ट वी कैन से प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स of associate and joint venture. It is called equity method. Understood or not? So this is called equity method. Sir, यहाँ पर हमें goodwill capitalism निकालने की ज़रूरत पड़ती है क्या? Actually यहाँ पर हम goodwill निकालते हैं, capitalism निकालते हैं, जैसे हम निकालते थे COC में, पर उस goodwill को हम अलग से show नहीं करते। If there is a goodwill, then no recognition separately। हम मान के चलते हैं कि वो goodwill जो होगी, वो आपके investment का portion होगा। अब गुडविल कब आएगा? जब आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा है और उसके नेट एसेट प्रोपोर्शन कम है, तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो गुडविल है। आप मान लोगे कि आपके इन्वेस्टमेंट में वो गुडविल शामिल है, इसीलिए हम यहां पर लिख रहे हैं इंक्लूडिंग गुडविल और कैपिटलिज्म। ठीक है, सो गुडविल अंडर ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट असेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, हम मान के चलेंगे कि वो आपके इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। गुडविल को अलग से बुक नहीं करोगे क्योंकि आप कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हो उसका, आप नेट असेट्स को मर्ज नहीं कर रहे हो, गुडविल को इसलिए अपन अलग से नहीं दिखा रहे। पर सर अगर कैपिटल रिजर्व आ जाए तो, मतलब सर आपने इन्वेस्टमेंट किया 5,00,000 का जबकि प्रपोर्शन ऑफ नेट असेट मान लीजिए है 6,00,000 का, तो ऐसे केस में क्या करोगे? आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा 1,00,000 रुपए से। यू हैव टू पास द एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इससे आपका कैपिटल रिजर्व सेपरेटली दिखेगा। सर मतलब क्या? मतलब ये कि गुडविल को आप सेपरेटली शो नहीं कर सकते, बट कैपिटल रिजर्व आपका सेपरेटली शो हो सकता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को नेट असेट के बराबर लाने के लिए आपको कैपिटल रिजर्व अलग से दिखाना पड़ेगा कि उसकी एंट्री होगी। ठीक है, सो दिस वॉज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स का इक्विटी मेथड। ये एक इक्विटी मेथड है, इसके क्वेश्चन जरूर करना। ये हमेशा एक बहुत छुपा रुस्तम इंडेस है। छुपा रुस्तम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पता नहीं रहता कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा कांड से, पर अगर आ गया तो तरीके से आएगा, तरीके से पूछा जाएगा। मतलब ये एक ऐसा इंडेस है जिसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता कि यार इस बार आएगा कि नहीं आएगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि यार ये छुपा रुस्तम इंडेस है क्योंकि ये इसका क्वेश्चन ईजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, तो इसको जरूर करिएगा। चलिए बेटा, सो दिस वॉज इंडेस 28। यू कैन आस्क द डाउट्स accordingly, then we will conclude this session. सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल फ्रॉम एसोसिएट टू इन्वेस्टमेंट लेंगे ना? हाँ, चाहे वो एसोसिएट से इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टर से एसोसिएट हो, दोनों दोनों का लेंगे। सर इफ इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, वेयर डज द डिफरेंस गो व्हेन वी आर मेकिंग सीएफएस एज वी हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट कॉस्ट इन इक्विटी मेथड? सी एसएफएस इज डिफरेंट एंड सीएफएस इज डिफरेंट। अंडर
बेसिकली यू कैन मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि आपने SFS में इन्वेस्टमेंट इन JV को फेयर वैल्यू पे दिखाया, तो आपने कहीं ना कहीं उसका सेकंड इफेक्ट P&L में डाला होगा या OCI में डाला होगा। जब आप CFS बनाओगे तो उसका सेकंड इफेक्ट को रिवर्स कर दोगे, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को तो वापस से कॉस्ट से शुरू कर रहे हो, तो आप जो उसका सेकंड इफेक्ट आपने अपने SFS में लिया था P&L और OCI में, आप उसको रिवर्स कर दोगे CFS में। सिंपल। फाइनली बिजनेस कॉम्बिनेशन इज ओवर। यस सर, इंपेयरमेंट लॉस की इफेक्ट P&L में आएगी, आगे होगी तो फिर से क्यों कंसीडर कर लेंगे? P&L में आ गई होगी तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो P&L में नहीं आई होगी तो, मान लो अगर आपका P&L में नहीं आया होगा तो, वो एक स्पेशल पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको अलग से किया है। चलिए जल्दी पूछिए। सर, इज इट नेसेसरी टू थिंक दैट व्हेन देयर इज मोर देन 50% शेयर देयर इज अ मैंडेटरी कंट्रोल, एंड व्हेन देयर इज अ लेस देन 50% शेयर देन वी हैव टू चेक वेदर इट्स अ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन? इन रियल लाइफ इवन देयर आर सम केसेस वेयर यू हैव 60% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन वन कंपनी बट यू डोंट हैव कंट्रोल। सो इन रियल लाइफ दिस विल नॉट वर्क, बट इन क्वेश्चन येस दिस विल वर्क। डन 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 डन। सर, कब P&L में और OCI में जाएगा प्रॉफिट? जो इफेक्ट P&L वाला है वो हम अपने P&L में ले जाएंगे, जो इफेक्ट OCI वाला है वो OCI में ले जाएंगे। स्टिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिनिमम 7 स्टैंडर्ड्स आर स्टिल लेफ्ट। So, subsidiary has investment in JV. Does this impact holding company CFS? Yes, obviously. If subsidiary has investment in JV, definitely it will affect holding company. Ultimately, holding company को measure करना पड़ेगा equity method. ठीक है? चलिए, और कोई doubt नहीं है तो let's conclude the session. Why you are not clarifying unrealized gain doubt? Why you are not clarifying unrealized gain doubt? Unrealized gain doubt मैंने बोला तो सही। I am clarifying that unrealized gain elimination जितना भी total unrealized gain 10,000 का investor का कितना share है associate में 25%, तो 10,000 का 25%, 2500 you have to eliminate। अब चाहे unrealized gain because of sale from investor to associate हो या sale from associate to investor हो। कैश डिविडेंड रिसीव विल बी क्रेडिटेड टू P&L एंड ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज रिड्यूस्ड। यस, बिकॉज इट इज क्रेडिटेड टू P&L इन द SFS, बट एज पर द CFS व्हेन यू आर अप्लाइंग इक्विटी मेथड व्हाट यू नीड टू डू दैट जब तुझे डिविडेंड मिला तो तूने बोला कि अच्छा मुझे इतना पोर्शन तो रिकवर हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है कि मुझे इतना पोर्शन रिकवर करना है, उसमें से डिविडेंड मिल गया तो माइनस कर दो। दोनों की थिंकिंग अलग है। SFS में वो हमारी इनकम है, CFS में इक्विटी मेथड में हम बोलते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमें रिकवर करना है, इतना वैल्यू हमें चाहिए, उसमें से डिविडेंड हमें मिल गया तो माइनस कर दो, हमें बाकी का रिकवर करना है, दैट्स इट। सर, एनी चेन होल्डिंग इफेक्ट? नो सर, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। शिनी, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, after time adjustment and only in respect
when in respect of when associate has sold the goods, then only you have to make the adjustment in statement of changes in equity, changes in net assets. Any other thing? खत्म करें सेशन. चलो लेट्स कंक्लूड द सेशन. अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे डाउट्स पूछ लेना, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वहां पर, आपको रिप्लाई कर लेंगे. मैं अगर ऑनलाइन उस टाइम पे रहूंगा तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है बेटा. चलिए, सेल फ्रॉम इन्वेस्टर टू एसोसिएट ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड सेल फ्रॉम एसोसिएट टू इन्वेस्टर अनरियलाइज्ड गेन, ये लॉजिक है ना सर? यस सर, आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम. चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर.